हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय जीनियस एक्सपर्ट और आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले डेराइव करने वाले क्या चीज तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं एडियाबेटिक एडियाबेटिक रिलेशन ठीक है रिलेशन देखने वाले रिलेशन बिटवीन पी एंड टी चलिए इसको हम लोग रिलेशन को देखते हैं एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन पी एंड टी कैसे क्या प्रूफ होगा देखते हैं ठीक है एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बहुत इजी है ये ठीक है तो यहाँ पे कुछ बातों को बस याद करना पड़ेगा और ये काम पूरा हो जाएगा ठीक है तो देखिए यहाँ पे हमारा सबसे पहले तो आपको यहाँ पर क्या करना है आप यहाँ पे लेंगे फोर वन मोल ऑफ गैस ठीक है आप एक मोल गैस लेंगे ठीक है ओके तो हम लोग यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लिखेंगे पी वी इज टू एन आर टी होता है हमारा ओके अब चूंकि हम लोग यहाँ पे वन मोल लिए हैं एन के जगह पे हम वन मोल वन रखेंगे तो यहाँ पे हमारा पीवी इज इक्वल टू आर टी आ जाएगा आ जाएगा तो ठीक है तो जब ये हमारे पास आ गया तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे देयरफॉर देयरफॉर हम लोग आगे क्या करेंगे पुटिंग पुटिंग पीवी और ऊपर में आ जाएगा गामा अच्छा ये पीवी इन पावर गामा ये क्या होता है आपका ये एडिबेटिक प्रोसेस का एक हिस्सा है ठीक है एक पार्ट है ये जो है हम लोग देखेंगे वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस उसमें आपका ये यूज होता है और इसी से आपका पूरा डेरिवेशन प्रूव होता है ठीक है तो चूंकि ये जो भी आपका एडियाबेटिक रिलेशन चूंकि हम दिखा रहे हैं तो एडियाबेटिक वर्ड जो आया इसकी वजह से क्या हो गया यहाँ पे यही चीज लग रहा है ठीक है तो मतलब इसके लिए अच्छी बात है ना आपको आपका एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन पी एंड टी बिटवीन पी एंड भी ये सब का क्या होगा सभी में आपको एक ही चीज यूज करना है तो अलग अलग से आपको याद करने का जरूरत नहीं है ठीक है तो ये आपके लिए अच्छी बात है तो यहाँ पे हम लोग तो क्या मान लेंगे एक कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे मान सकते ना के ठीक है कुछ नहीं दिया है तो यहाँ पे के मान लेंगे कांस्टेंट सा ठीक है ओके तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा वी गेट क्या हमें मिल जाएगा यहां से यहां से हमें मिल जाएगा अगर हम लोग पी वी का वैल्यू पुटिंग पुटिंग PV, PV का अगर हमें वैल्यू यहाँ पर जैसे कि आपका ये दे रखा है ये हम लोग रखे हैं तो यहाँ पर अब नेक्स्ट हम लोग क्या कर लेते हैं डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं जैसे कि आर टी बाई पी ठीक है और ऊपर लग जाएगा हमारा गामा और ये हमारा के के बराबर कैसे क्या आया समझ में आया देखिये हमने क्या किया इस वॉल्यूम को यहाँ पे रखा ठीक है पी को हमने नीचे लेके आए नीचे लेके आए तो यहाँ पे आर टी वाई पी हो गया ठीक है ना तो वही अपना भी के ये जो भी है भी के जगह पे हमने उस चीज को रखा ये बात आप समझ रहे देखिए आपको साइड में बताते हैं कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो देखिए वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी बाई पी ये आया है यहां से यही चीज है ठीक है हमने इसको क्या किया ब्रैकेट कर दिया और क्या ठीक है कोई चेंज आया क्या नहीं आया वही चीज है अपना तो यहाँ पे हमने गामा ये गामा था तो वही लिख दिए ठीक है इक्वल्स टू के ठीक है अच्छा तो यहां से हमें क्या पता चला p और हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर वन माइनस गामा लिख सकते हैं ठीक है बात देखिए कोई चेंज नहीं है बात में ठीक है बातों में कोई चेंज नहीं है वही चीज़ है थोड़ा सा डिफरेंस जो आएगा वो हम आपको बता देंगे जब भी कहीं डिफरेंस आता है वो हम क्लियर कर देते हैं ठीक है वरना आपका कोई डिफरेंस नहीं है तो नहीं क्लियर करेंगे ठीक है तो यहाँ पे आपका टी की पावर यहाँ पे क्या हो गया गामा हो गया इक्वल्स टू के बाई आर और यहाँ पे लग जाएगा गामा ठीक है के बाई आर गामा कैसे क्या आ रहा है समझाएंगे हम ठीक है समझाएंगे चिंता मत कीजिएगा ये आपका अनदर कांस्टेंट आ गया अनदर कांस्टेंट देखिए आप समझते हैं कि इसको कैसे आया क्या आया देखिए ये चीज आपको पार्ट समझ में आया यहां से हमने उठा के लिखा है यहाँ पे ठीक है और गामा हमने लगा दिया यहाँ पर ठीक है अच्छा तो यहां से देखिए आपका ये पी की पावर ये ध्यान दीजिए आप ये नीचे वाला में क्या है 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 की पावर गामा है. है ना अच्छा ये जब ये यहाँ पर डिवाइड में हम मान लेते हैं ऊपर कुछ नहीं वन है ठीक है मान लिया ठीक है ऐसे तो आपका क्या है आर टी है ठीक है तो हमने पी को ऊपर लेके जाना है तो माइनस गामा लगाएंगे लगाएंगे तो माइनस गामा ओके okay. फाइन आपको इतना समझ में आ रहा है ओके okay. अच्छा यहाँ पे आपका आर टी है अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वही चीज लिख दे रहे हैं वही चीज कोई डिफरेंस नहीं ये ही लिखा है ना यहाँ पे भी यहाँ पे भी ठीक है तो ये चीज हमने क्या किया इस तरह लिखा और पी है यहाँ पर ब्रैकेट में ओके okay. अब हम क्या किए पी के साथ पावर क्या है वन है और यहाँ पे चूंकि हम मल्टीप्लाई में करते हैं पावर को एड अगर बेस सेम हो तो ठीक है वरना नहीं करते बेस सेम है यहाँ पी है यहाँ पी है हम क्या करेंगे वन प्लस और एक छोटा सा माइनस माइनस गामा के साथ तो माइनस है वो तो रहेगा ही और आर टी है अपना तो पी वन माइनस गामा आर टी लिखा गया समझ में आया बात को क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे वही चीज किया है वन माइनस गामा यहाँ पे आपका आ गया आर की पावर गामा ये आर की पावर गामा कहाँ से आया ये बताएंगे हम आपको अभी ये चीज आपको समझ में ये कहां से है ये चीज यहाँ पर ठीक है ओके क्लियर है अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो गामा है ना ये गामा आपका एग्जैक्ट ऊपर लगा था मतलब ये इसके साथ भी है इसके साथ भी है दोनों के साथ है तो हमने क्या छोड़ा यहाँ पर यहाँ पे आर की पावर गामा और टी की पावर गामा आर की पावर गामा टी की पावर गामा आर की पावर गामा टी की पावर गामा, पावर गामा अब समझ में आप क्लियर हुआ बात जस्ट आपको यहां से हम लोग यहाँ पे आपको ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट हम क्लियर कर रहे हैं ये कहाँ से आया है ये वाला पार्ट ठीक है ये आपको एरो वेरो दे के बनाना नहीं है आपको ठीक है ये समझा रहे हैं हम आपको बनाना क्या है वी गेट ये लिखना है फिर यहाँ पे ये लिखना है ठीक है और हाँ ये बात आपको ये पार्ट आपको साइड में समझाना पड़ेगा थोड़ा कैसे आया है ठीक है क्लियर है इतना ओके ये कैसे आया है ये समझ में आया अच्छा यही चीज हम लोग लिखे हैं और ये चीज लिखे हैं देखिए अब कोई क्या करते हैं ये हटा देते हैं थोड़ा एक स्टेप आगे हम बढ़ गए तो इसके वजह से काफी लोगों को थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा देखिए हम क्या लिखे पी माइनस ये चीज ये चीज हम लोग सॉल्व करके लाए हैं तो हम यही लिख देते हैं ठीक है क्लियर है इतना बात अच्छा तो पी वन माइनस गामा और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे टी की पावर गामा इक्वल्स टू के बाई आर की पावर गामा और ये हम एक अनादर कॉन्स्टेंट मान लिए हैं एक दूसरा कांस्टेंट आ गया हमारे पास एक तो था ही के ठीक है अब दूसरा क्या आ गया के बाय आर की पावर गामा एक दूसरा कांस्टेंट हमारे पास मिल गया ठीक है अब क्लियर होगा बात अब आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो क्लियर करना बहुत ही जरूरी होता है ठीक है तो अब आपको यहाँ पे रिलेशन किसका निकालना था पहले ये देखिए आपको हेडिंग क्या दे रखा है पी एंड टी प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में यहाँ पे प्रेशर यहाँ पे टेम्परेचर है क्या आपका प्रूव हो गया तो ऑफ कोर्स प्रूव हो गया है हमारा तो यही छोटा सा एकदम था ठीक है ये प्रूव हो चुका है क्या लिखेंगे आप एग्जैक्टली exactly आपका क्या आएगा p की पावर वन माइनस गामा t की पावर गामा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट ठीक है कांस्टेंट ठीक है तो ये हमारा प्रूव होकर आया ये आप बॉक्स में कर लिए ठीक है तो ये हमारा प्रूव हो गया यहाँ पे एक छोटा सा वर्ड क्या लिखेंगे आप तो आइडियल गैस के लिए हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे भाई कि दिस इज द एडियाबेटिक रिलेशन एडियाबेटिक रिलेशन बिटवीन बिटवीन पी एंड टी पी एंड टी ऑफ एन आइडियल गैस ऑफ एन आइडियल गैस बहुत इजी था इट इज वेरी इजी इफ यू विल ट्राई देन इट विल डेफिनेटली वेरी इजी फॉर यू ठीक है ट्राई एंड ट्राई ठीक है प्रैक्टिस कीजिए बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट प्रैक्टिस करते रहिए याद रहेगा आपको वरना भूल जाइएगा ठीक है और फिजिक्स uh, में या फिर केमिस्ट्री में बहुत फार्मूलाज है बहुत फॉर्मूलाज और फॉर्मूलाज के साथ साथ भी बहुत हैं तो आपको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाना है ठीक है दो दिन तीन दिन के अंदर अंदर आपको रिवाइज करना है एक एक बार ठीक so, है सो पढ़ते रहिए और ये हम लोग कर चुके हैं डेरिवेशन आगे जो डेरिवेशन आएगा आपका एडियाबेटिक प्रोसेस का आएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में हम लोग प्रूफ करेंगे आपका W एडिया ठीक है और फिर आपका साथ ही साथ आपका आएगा पी एंड बी का रिलेशन जो हम लोग यहाँ पे पी एंड टी का देखे हैं पी एंड बी का आएगा ठीक है तो पढ़ते रहिए मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को सो डेट की जो आगे की वीडियोज हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे ठीक है नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं सोलडर के जो भी आपके वीडियो आएगा वो आपको सबसे पहले पता चल जाए ठीक है सो थैंक यू सो मच